बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे YouTube फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अल्लाह ताला मेरी सारी YouTube फैमिली एंड फ्रेंड्स पर अपना ख़ास रहम व करम फरमाए, अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। दिल दुगनी, दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, ईमान सलामत रखे, हर मुश्किल हर आफत से बचाए रखे। आमीन सुमा आमीन। इस ब्यूटीफुल दुआ के बाद मैं आज का आगाज़ हज़रत शेख अब्दुल कादर जलानी रहमतुल्लाह अलैह की स्टोरी से करती हूँ कि उनके माँ बाप का रिश्ता कैसे हुआ, हाउ दे मेट। उनके माँ और बाप के अल्लाह ताला ने किस तरह सबब बनाया, किस तरह पुराने ज़मानों में लोग पाक दामन औरत और बाकरदार बा अखलाक दीनदार इंसान का बंदे का इंतखाब करते थे। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम बच्चे थे, स्टूडेंट थे, 10-12 साल की उम्र, और वो तालीम की तलाश में निकले हुए थे, सफ़र पर थे कि वो किसी दरिया किनारे या नहर किनारे जा रहे थे कि वहाँ पर उनको सेब नज़र आया, दरिया में या पानी में तैरता हुआ सेब नज़र आया। उनको भूख लगी हुई थी तो उन्होंने बिस्मिल्लाह करके वो सेब उठाया और खा लिया। बाद में उनको फिक्र हुआ कि जो सेब था ये तो किसी का था, मैंने तो उससे इजाज़त नहीं मांगी, तो अब तो अल्लाह पता नहीं मुझे बख्शेगा कि नहीं बख्शेगा। तो उसको फिक्र लागू हुआ कि मुझे जिसका भी ये बाग का सेब था उस मालिक से पूछ लेना चाहिए था, या अब उसको बता देना चाहिए और उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो इसी सोचो विचार में जा रहा था कि वो बाग के पास से उसका गुज़र हुआ। उसने उस बाग के माली से पूछा कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारी इजाज़त के बग़ैर ही ये मैंने सेब खा लिया, मुझे इजाज़त लेनी चाहिए थी। जैसा कि आजकल हम अपने बच्चों को भी समझाते हैं जब वो शॉपिंग के लिए जाते हैं कि कोई चीज़ ये नहीं कि लेनी है और लेके खानी शुरू कर देनी है, पहले वो लेके उसको पे करते हैं, फिर वो आपकी अपनी मलकियत हो जाती है, फिर आपको उसको खोल के खाते हैं, बेशक क्रिस्प हो, स्वीट हो या जो कुछ भी हो। तो इस तरह उनके वालदैन भी उन्होंने समझा रखा था अपने बच्चे को कि कोई चीज़ भी लेनी है या खानी है तो उसके मालिक की मर्ज़ी से और मालिक की इजाज़त से आपने लेनी है, ये उठा के नहीं खानी। तो इस तरह वो जो सेब था वो लेकर खा लिया और माली से पूछा कि ऐसे ऐसे करके मैंने आपके बाग का सेब खा लिया, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो उसके बाग के माली ने कहा कि मैं तो यहाँ पर मुलाजम हूँ, मैं तो नौकर हूँ, किसी और के बाग की रखवाली करता हूँ, लहाजा मैं तो आपको माफ़ नहीं कर सकता, आपको तो इसके मालिक से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो अब मालिक की तलाश में
निकल खड़ा हुआ। वो चलते चलते उस माली ने बताया कि फलां फलां गांव में, फलां विलेज में इसका मालिक रहता है, आप जाकर उसी से पूछ लें। तो वो जब उस मालिक बाग के मालिक के पास पहुंचे, तो बाग के मालिक ने कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली मेरी शर्त ये है माफ़ी की कि आपने मेरे साथ यहाँ पर मेरे बाग की रखवाली 12 साल तक करनी है। अब आप देखें कि बच्चा जो 10-12 साल का है, तो 12 साल उसको वहाँ पे रहना है। क्या खाया है? एक सेब, सिर्फ एक सेब खाने की इवज में उनको 12 साल वहाँ पे रहना है बाग में, और बाग की रखवाली करनी है, बागबान बनना है। तो उसने कहा अच्छा चलो इस शर्त पे मैं रह जाता हूँ। और वो 12 साल उन्होंने काटे, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटा गुजारना हमारे लिए मुश्किल होता है, हम में सब्र बर्दाश्त नहीं होती। जो तकवा वाले होते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुछ भी कर गुज़रते हैं। तो इस तरह 1 पूरा घंटा उन्होंने वहाँ पर गुजारा, और गुजार 1-12 साल का अरसा वहाँ पर गुजारा। गुजार के अब उससे बाग के माली से कहा अब तो आपने मुझे माफ़ कर दिया होगा क्योंकि मैंने 12 साल मुकम्मल कर दिए हैं। उसने कहा नहीं, ये मेरी शर्त का पहला हिस्सा था। दूसरा, मेरे साथ मेरी एक और भी शर्त है, वो शर्त ये है कि आपको मेरी बेटी से शादी करनी होगी। आप मेरी बेटी से शादी करोगे फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, सोचूंगा माफ़ करने के लिए। तो उसने कहा, बुज़ुर्ग ने कहा कि मेरी बेटी आँखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, मुंह से बोल नहीं सकती, पाँव से चल नहीं सकती, तो इतनी खूबसूरत भी नहीं है, तो क्या आप मेरी बेटी से शादी करेंगे? क्योंकि उस लड़के ने अपने माँ बाप की रज़ा की, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने माँ बाप के हुक्म के मुताबिक वो सेब की माफ़ी लेनी थी। तो कहते हैं कि जब तक इंसान माफ़ नहीं करता फिर अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। तो उसने माफ़ी इंसान से लेनी थी, इसलिए उन्होंने ये शर्त भी कबूल कर ली। जब ये शर्त कबूल कर ली तो उस बुज़ुर्ग ने लड़की के बाप ने उनका निकाह कर दिया। निकाह के बाद शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बाप जब अपने कमरे में दाखिल हुआ, अपनी नई नवेली दुल्हन को देखने लगा, तो उसको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु कहा और उसका घूंघट उठाया, तो देखा कि वो तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन और बहुत ही प्यारी दोशीज़ा है, प्यारी गर्ल है, बहुत ही खूबसूरत है, आँखों से देख भी सकती है, मुंह से वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु भी कह सकती है, सुन भी सकती है, चल फिर भी सकती है, हाथ पांव भी सलामत है और खूबसूरत भी बहुत है। तो वो इस वजह से, परहेजगारी की वजह से, जल्दी से कमरे से बाहर आ गया और उस बुज़ुर्ग को कहने लगा कि जिस कमरे, जिस लड़की का आपने मुझसे निकाह किया है तो वो तो कोई और ही है, जो आपने डिस्क्राइब किया है, जो बताया है, तो वो इस तरह की तो नहीं है, मुझे लगता है कि मैं गलत कमरे में दाखिल हो गया हूँ। तो उसने कहा नहीं बेटा, तुम सही कमरे में दाखिल हुए हो, असल में यही मेरी बेटी है और यही मेरी बेटी जो है वो आपकी दुल्हन है, और जो आपने 12 साल का अरसा गुजारा और परहेजगारी की कोशिश, तो वो अल्लाह ताला ने आपको अनाम में आपको नेक पाक दामन और अता फरमाई है। अल्लाह ताला का कुरान पाक में भी हुक्म है कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें होंगी, नेक हूरे होंगी, तो इस जन्नत में। तो इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को दुनिया में भी नवाजा होता है। तो वो जब वो आपस में बातचीत करने लगे तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे, और उस बुज़ुर्ग ने कहा
कि मैंने आपको बताया था कि ये आंखों से अंधी है, कि मेरी बेटी पाक दामन है, ये आज तक इसने किसी गैर महरम को जब गैर मर्द को नहीं देखा, इसलिए मैंने कहा था आंखों से अंधी है, कानों से ये बहरी है, आज तक इसने किसी गैर मर्द की आवाज़ नहीं सुनी, और अपनी घर में परहेजगारी के साथ ज़िंदगी गुजारी, इसलिए मैंने कहा कि ये कानों से बहरी है और ये मुंह से गूंगी है, आज तक इसने कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के बगैर कोई बात नहीं की, ना कभी चुगली की है, ना कभी झूठ बोला है, इसलिए मैंने कहा कि जैसे आम लोग होते हैं तो आम लोगों की निस्बत मेरी बेटी का मुंह से गूंगी है, कि इसके मुंह से कोई बात ऐसी नहीं निकलती, तो इसलिए कहीं चल के बाहर नहीं गई, किसी गलत जगह पे नहीं गई, इसलिए मैंने कहा था कि वो पाँव से भी मज़ूर है, चलने से भी मज़ूर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी बहुत ही पाक दामन नेक सीरत औरत है, लड़की है, तो उसने कहा तुम्हें बेटा मुबारक हो, मैं ऐसा ही आदमी मर्द अपनी बेटी के लिए ढूंढ रहा था, तो जिसमें तकवा हो, परहेज़ हो, ये स्टैंडर्ड होता था पुराने ज़माने में, लोग इस तरह परखते थे इंसान को कि कौन इंसान अखलाकियात की कदर करेगा, कौन इंसान जस्ट ऐसे ही इधर उधर मुंह मारेगा अपनी नफ्स की खातर, अपने थोड़े से खुशी की खातर वो अपनी ज़िंदगी भर की इज़्ज़त हया को पमाल करेगा, दूसरों की औरतों की इज़्ज़त करेगा कि नहीं करेगा, तो इस तरह वो आजमाया करते थे पुराने वक्त में, लोग इस तरह अपने बच्चियों के लिए नेक औरतों उनको चार दीवारी में रखते थे, उनको दीन और दुनिया की सही तालीम और तरबियत करते थे ताकि वो आगे जाकर अपनी औलाद की सही तरबियत कर सकें, अपनी औलाद को अच्छे इस्लाम के असूलों पर चला सकें और अपनी औलाद को नेक और परहेजगार बना सकें। इस तरह पुराने ज़माने में लोग जो होते हैं वो अपने पुराने लोग अपने बच्चे बच्चियों का रिश्ता ढूंढते थे। जब मेरी शादी होने लगी तो मैं इनको जानती नहीं थी, कभी मैंने देखा नहीं था, मुझको कुछ पता नहीं था, तो रिश्ता आया, इलाके के भी रिश्ते आए, लेकिन मैं किसी के बारे में जानती नहीं थी, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं इनके बारे में जानती नहीं हूँ, तो मेरी माँ कहती है सूरत को नहीं देखो, सीरत को देखो, तो मैंने कहा माँ मुझे सीरत भी नहीं पता, तो फिर मेरी माँ ने कहा कि ये जो कुछ भी नहीं पता तो अपने रब पर यकीन रखो, रब आपको कभी रसवा नहीं करेगा, पैदा करने वाला मालिक खालिक अल्लाह जो बहुत आपसे प्यार करता है आपको कभी नहीं ज़ाया करेगा, तो मेरी माँ की ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगीं और मैंने इन पर अमल किया और मैंने हाँ कर दी जबकि मैंने इनको देखा नहीं था। फिर माँ ने मेरी ने जब मुझे रुख्सत किया तो मुझे कहा कि बेटी मैंने ये बेड़ा अल्लाह के आसरे पर अल्लाह के सहारे पर मैंने छोड़ दिया है, यानी मैंने ये बेड़ा जो होता है बोट होती है मैंने अल्लाह पर तवक्कल करके अल्लाह पर यकीन रख के अल्लाह के सहारे तुम्हें मैंने इसके साथ शादी करके रुख्सत कर दिया है, तो अल्लाह ताला आगे आपका नसीब बेहतर करे, आपको कामयाब व कामरान करे, आपको सारी घर की खुशियां दे, शाद और आबाद रखे, नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। इन दुआओं के साथ मेरी माँ ने रुख्सत किया। मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उसको शऊर दिया था, उसका अपने रब की ज़ात पर यकीन था, हज़ारों लाखों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ, तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आजकल जो किसी लोगों के घर टूट रहे हैं वो इस वजह से टूट रहे हैं कि लोग जो हैं
वो अल्लाह पर तवक्कल नहीं करते, अपनी अना का मसला बना के बैठे होते हैं, अपने बच्चों की सही तालीम तरबियत नहीं करते, उनको बर्दाश्त भी नहीं सिखाते, उनको अखलाकियात नहीं सिखाते, दूसरे की एहसास हमदर्दी करना नहीं सिखाते, बुरे के साथ अच्छा सलूक करने की भी तरगीब नहीं देते, तो इस तरह उनके जो रिश्ते होते हैं वो ज़्यादा वो परवान नहीं चढ़ते, कामयाब नहीं होते। इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप शुरू ही से अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ साथ इन चीज़ों का भी उनको दर्स दें। हम खाना पकाना उनको सिखा देते हैं, उनके लाड करते रहते हैं, उनके सारी जो उनकी ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी करते हैं। कहते होते हैं खाने का लाड, पहनने का लाड, लेकिन तरबियत करने का कोई लाड नहीं। हम तरबियत के वक्त बहुत गफलत बरतते हैं और तरबियत के वक्त हम उनको सही उनकी ट्रेनिंग नहीं करते, जिस वजह से हमारे बच्चों को आगे पता नहीं होता कि सिचुएशन में क्या करना है, मुश्किल हालात में कैसे कोप करना है, वो जल्दी ही हौसला छोड़ देते हैं। इसलिए ये चीज़ें अपने बच्चों को बतानी और सिखानी बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर वो बच्चे भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और उसको समझें, उस पर अमल करें, सहाबा कराम की सीरत को पढ़ें, समझें, अमल करें और सहाबियात की ज़िंदगी को समझें, पढ़ें और अमल करें, और इन बुजुर्गाने दीन जिनकी वजह से दुनिया के कोने कोने में इस्लाम पहुंचा, तो अगर इन बातों को समझें तो इंशाअल्लाह ताला आप हमारे बच्चे भी कामयाब हो सकते हैं, इनमें भी बर्दाश्त आ सकती है। जब ज़िंदगी में मुश्किल आए तो तवक्कल अल्लाह पर रहे तो इंशाअल्लाह ताला बेड़े पार होते हैं, जो कश्तियां होती हैं वो किनारे लग जाती हैं, अल्लाह ताला मुश्किलें आसान कर देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हों का फरमान है कि मुश्किल की खातर नेकी मत छोड़ो कि मुश्किल ख़त्म हो जाएगी और नेकी बाकी रह जाएगी। अगर ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ जाए तो उसकी खातर आप नेकी का काम करना ना छोड़ दें, क्योंकि वो मुश्किल तो टल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उस नेकी का अजर हमेशा सलामत रहेगा। इसी तरीके से फरमाने अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि थोड़ी सी लज्जत की खातर, ज़िंदगी में थोड़ी सी लज्जत टेस्ट यानी नफ्स के हाथों चढ़कर कोई ऐसा बुराई मत कर बैठना, ऐसी बुराई मत करो कि वो लज्जत तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन वो जो बुराई है वो हमेशा बाकी रहेगी। दुनिया में भी उसका अजाब मिलेगा, दुनिया में भी इंसल्ट होगी, लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, और आखिरत में जो उसका हशर होगा तो वो तो आपको पता ही है, आखिरत भी उनकी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए है कि हम बच्चों को अगर बताएं कि ज़िंदगी में अगर मुश्किलात आ भी जाएं तो अपना जो है ट्रस्ट अल्लाह पर पक्का रखो, अल्लाह ताला पर यकीन पक्का रखो, और इंशाअल्लाह ताला ये मुश्किलें टल जाएंगी। हर रात के बाद दिन आता है, हर मुश्किल के बाद अल्लाह ताला आसानी फरमाता है, हर टेस्ट के बाद अल्लाह ताला सुरखरू करता है, कामयाबी देता है, अपना महबूब बनाता है, आपका लेवल जो होता है अल्लाह की नज़र में और बुलंद बाला हो जाता है। इनकी मिसालें हमारे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की भरपूर पड़ी हुई हैं, हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो टेस्ट हैं वो भी यही बताते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी, यकीन अल्लाह पर रखना है और अल्लाह की खातर, अल्लाह की रज़ा की खातर नेक काम कर गुजरना है कि उसका अजर अल्लाह ताला के पास है। हम इस दुनिया में 4 दिन के मेहमान हैं, इसके बाद तो हमने अल्लाह ताला के पास चले जाना है। हम जब पैदा नहीं हुए थे तो अल्लाह ताला के पास थे,
अब हम दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, हदायत दी है सही काम करने का और बुराई से बचने के नॉलेज दिया है, तो इस पर हमको अमल करना है। और जब हम खुदा ना खासा हमें ये भी नहीं पता कि हमने कब वापस लौट जाना है, इसलिए ज़रूरी यही है कि हम अल्लाह की रज़ा की खातिर ज़िंदगी गुजारें। और जब हम वापस जाएं तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया में भी हमारे खैर फरमाए, हमारे लोग अच्छे ना लफ्ज़ों में हमें याद करें, हमने किसी का दिल ना दिखाया हो, हमने किसी को दुख ना दिया हो। और अल्लाह ताला गफूर रहीम है और अपने रहमत से, अपने फजल से, अपने करम से हमको बख्श दे। यही हमारा आज का पैगाम है कि हमने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो देनी है। बच्चे को पैदा करना बहुत आसान होता है, अल्लाह ताला की फजल से पैदा होता है, अल्लाह के करम से अल्लाह ताला दुनिया में उस बच्चे को लाता है, लेकिन ये माँ बाप पर है कि वो अपने बच्चे को नेक इंसान बनाते हैं जब उसका ख्याल नहीं रखते, बस पैसा कमाने में लगे हुए हैं, घर के काम काज में लगे हुए हैं, सफाई सुथराई में लगे हुए हैं, कपड़ों के फैशन में लगे हुए हैं और बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और माँ बाप तो एक टीचर होता है बच्चों के लिए, माँ बाप एक उस्ताद है बच्चों के लिए, लेकिन वो उस्ताद का रोल नहीं अदा कर पाते, वो एक अच्छे फ्रेंड का रोल नहीं अदा कर पाते, जिसकी वजह से बच्चे बेरवाह रावी पे चले जाते हैं, गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, गलत दोस्ती गलत सोहबत इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में वो कोई अच्छा काम नहीं कर पाते और माँ बाप की भी बर्बादी का दुनिया में इंसल्ट का सबब बनते हैं और आखरत भी बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप अखलाक के साथ पेश आएं, उनकी इज्जत करें, उनको जिम्मेदारियां दें, उन पर ट्रस्ट करें, उनको खुद एतमाद बनाएं। कोई बात आपके बच्चे की आपको पॉजिटिव नज़र आ जाए, अच्छी नज़र आए, तो उस पर उसको शाबाश दें, इतना इनकर्ज करें कि आपके बच्चे की अगर कोई ऐसी बात जो आपको नहीं पसंद वो आपको नज़र आए तो आप उससे दरगुजर करें और उसको इग्नोर करें, तो इंशाअल्लाह ताला वो जो छोटी सी नेकी है वो भी बड़ी बन जाएगी, छोटे बीज की तरह वो भी बढ़ बढ़ के बहुत बड़ा तनावर दरख्त बन जाएगा और वो बच्चा नेक काम करने की तरफ रागब होगा। ये माँ बाप की तरबियत का एक गुर है, एक टिप है, एक ये बहुत टोटका है कि आपने अपने बच्चे के जो अच्छे चीज़ है उसको मद्देनज़र रखे हुए उसको डिस्कस करना है। कभी अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर मत करें। आपका हर इंसान अल्लाह ताला ने इंडिविजुअल बनाया है, डिफरेंट बनाया है, मुनफरद शख्सियत का मालिक है, उसमें जो कोई चीज़ पॉजिटिव है अच्छी है उसको उभारें, उसी पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तरगीब दिलवाएं, जिससे आपके जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे इंसान बन जाएं और आपकी दुनिया और आखरत में आपकी बख्शिश का ज़रिया बने। तो मैं बच्चों को 20 साल पढ़ाती रही हूं और मुझको पता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है। बच्चे स्कूल कंप्लेन करते थे कि मस्जिद में लोग उनको डांटते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो एक उस्ताद को तो गाली गलौज करना बिल्कुल जेब देता ही नहीं है। कभी उनका एहतराम करके देखें कि बच्चे एक हीरा होते हैं और हीरे जैसे पत्थर जैसे होते हैं, और जब आप उनको जितना पॉलिश करते जाएं उतना ही वो बच्चा चमकता है, बच्चा अच्छा अखलाक होता है, बच्चा बा अखलाक होता है, बा किरदार बनता है, उतना ही पॉजिटिविटी दिखाता है। मैं छोटे छोटे बच्चों को जब खिलाती हूँ तो वो उनको कहती हूँ शाबाश आप इसमें गुड हो, आपने ये काम बहुत अच्छा किया, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आपने ये बात बहुत अच्छे तरीके से की। और वो बच्चा इज्जत की खातर अपनी मोहब्बत को बरकरार करने के लिए, अपना इमेज अच्छा रखने के लिए वो बच्चा और अच्छा काम करता है, और अच्छा करता है।
और आपके सामने बिल्कुल बदतमीजी करना नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसके आपके सामने उसकी जो शख्सियत है, इमेज है, वो ख़राब हो। इसलिए ज़रूरी ही है कि आप बच्चों को इज़्ज़त दें, ज़िम्मेदारी दें, अखलाकियात सिखाएं और उनको पुरवकार पुरकरदार इंसान बनाएं, उनको बा करेक्ट कंप्लीट गुड करेक्टर एंड गुड मॉरल बनाएं और दुनिया आखरत में उनको सुरखरू हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। इसी तरीके से स्कूल में भी जो टीचर होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है। यहाँ पे शुरू ही से स्कूल में अखलाकियात सिखाई जाती हैं बच्चों को, यस प्लीज़, थैंक यू, कैन आई हैव दिस कहना सिखाया जाता है। यानी बच्चे को आजाना तरीका सिखाया जाता है कि अपने टीचर के साथ कैसे बोलना है। और मैं भी एक स्कूल टीचर हूँ, टीचर असिस्टेंट, तो मैं भी ये देखती हूँ कि बच्चों के साथ जब भी टीचर बात कर रहे होते हैं तो टीचर खुद ऐसे बोलते हैं, फिर बच्चा रिप्लाई में वापस ऐसे जवाब देता है। अगर उस्ताद ये रोब रखे कि हम उस्ताद हैं और हम जैसा आपको कहते हैं वैसा करो, और लेकिन वो बच्चों की रिस्पेक्ट ना करें और बच्चों के साथ अखलाक से पेश ना आए, तो आपको क्या लगता है कि वो जो बच्चा है वो बेहतर अखलाक का मुजाहरा करेगा? टीचर को खुद रोल मॉडल होना पड़ता है। जब टीचर रोल मॉडल अपना अदा करेंगे तो बच्चे भी ऐसे ही होंगे। एक क्लास में 30 से 50 बच्चे होते हैं और एक दो टीचर्स होती हैं जिन्होंने हैंडल करना होता है, लेसन भी पढ़ाना होता है, उनको चुप करा के भी बिठाना होता है, उनको सिखाना भी होता है। आपको बताऊं कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में तो ये है कि बुक्स पढ़ी हुई हैं और बच्चे पढ़े और सुना दे और टेस्ट दे। वहाँ पर ज़्यादातर बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, स्टूडेंट्स को मेहनत करनी पड़ती है कुछ हासिल करने के लिए, पाने के लिए। टीचर ने तो बस सुनना होता है, कभी कभार टेस्ट ले लेना होता है, लेकर यहाँ पर टीचर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। टीचर्स पर भी ही ड्यूटी होती है कि बच्चे को मैथमेटिक्स आना चाहिए, बेसिक सारा नॉलेज आना चाहिए, सारी पढ़ाई होनी चाहिए, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास होने चाहिए टेस्ट में, और उनको जो ऑफ स्टेट वाले हैं आके टेस्ट करते हैं कि ये स्कूल के बच्चे कैसे हैं। हर क्लास में हर बच्चे का देखा जाता है पढ़ाई, बच्चा क्या सीख रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसके अखलाकियात कैसे हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहा है कि नहीं, इनका जो स्कूल में एनवायरनमेंट है, हेल्थ एंड सेफ्टी का ये देख रहे हैं, और ये इनका स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं, बच्चे हेल्थी हैं, इनका अखलाकियात कैसा है, इनके पेरेंट्स के साथ कैसे तल्लुकात हैं, ये सारे के सारे उसका हिस्सा होते हैं। तो क्यों नहीं एज ए पेरेंट्स हम ये सोचते कि हम अपने बच्चों के कैसे ब्रिंग अप कर रहे हैं, कैसा इंसान बना रहे हैं, कैसा सिखा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जब हम इस बात को सोचना शुरू करेंगे, आज से सोचना शुरू करेंगे, तो 10 साल तक इसका रिजल्ट आएगा। और जब हम 10 साल के बाद इसको देखेंगे, मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। हमने यही देखना है कि हमने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कैसी करनी है। अगर हम तालीम और तरबियत ठीक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे भी कामयाब होंगे, और हमारे बच्चों की कामयाबी हमारी कामयाबी है, वही हमारा असल सरमाया है। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को टाइम दें, क्वालिटी गुड टाइम उनके साथ स्पेंड करें, अच्छा उनको खाने के दें, खाने के लिए दें, मुनासिब कपड़ा पहनने को दें, और उनसे बहुत पोलाइट तरीके से, नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से, अकीदत से बात करें, और खुद काम करते जाएं, और बच्चों आपको देख देख के ही सीखते जाएंगे। छोटे बच्चे तो 5 साल तक माँ बाप को ही देख देख कर सीखते हैं। इसलिए कभी भी आप दिल में फील ना करें कि हम कुछ कर रहे हैं, बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे, बच्चे कुरान नहीं पढ़ रहे, बच्चे अच्छे अखलाकियात से पेश नहीं आ रहे। जब तक आप सारा कुछ कर रहे होंगे तो एक टाइम आता है कि बच्चे भी सारे के सारे काम करना शुरू कर देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बातें आपको फ़ायदा देंगी, आपके लिए
कार आमद साबित होंगी। और अगर आप इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी कामयाब करे, आखरत में भी कामयाब करे, आपकी औलाद को भी नेक बनाए, फरमाबदार और खिदमतगार बनाए, और अल्लाह ताला दुनिया आखरत में हम सब का खैर फरमाए और दुनिया आखरत की मुश्किलात को दूर फरमाए। इस्लाम, कुरान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस्समावाति वल अर्द इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर वमा अलैना इलल बलाग़।